अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम बनाने जा रहे हैं एक रमज़ान की बहुत ही फेवरेट और स्पेशल सबकी डिश, भेल पूरी चाट। चना चाट तो सबको पसंद होती है, लेकिन ये थोड़ी सी डिफरेंट है। और जो हम आज बनाएंगे, सबसे पहले हम देखते हैं इसकी इमली की चटनी हमने कैसे बनानी है। मैंने इसमें इमली का पल्प निकाल लिया गाढ़ा सा, और इसमें मैंने ऐड किया है सॉल्ट हसबे ज़रूरत, थोड़ी सी धड़ा मिर्च ऐड की है, आप देख लें जैसा आपको टेस्ट पसंद है वैसा, और चीनी ऐड की है इसके अंदर मैंने। और इन तीनों चीज़ों को डाल के बहुत ही आसान है बनाने में। अगर आपके पास चीनी की जगह अगर आप लोग ब्राउन शुगर ऐड करेंगे, वो उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसको हम पकाएंगे जब तक ये इतनी गाढ़ी, इसकी कंसिस्टेंसी देख लें कि ये कितनी गाढ़ी हो गई है। ठीक है, इतनी कंसिस्टेंसी जो है हमें चाहिए जी। अब हम इसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। ये सब चीज़ें हमें अपनी चाट बनाने के लिए चाहिए। सबसे पहले हम एक बॉल लेंगे मिक्सिंग के लिए, एक डिश ले ली, उसमें मैंने सबसे नीचे जो है बॉयल किए हुए आलू हैं, जिनको मैंने स्मॉल पीसेस में कट कर लिया है। और अब इसके ऊपर जो है हम बॉयल चने डालेंगे, थोड़े से तकरीबन 1.5 कप चने हैं, इनकी हम दोबारा से भी लेयरिंग कर लेंगे थोड़ी सी। ये गोल वाली जो होती है, इसके ऊपर हम गोल वाली भलियाँ डालेंगे थोड़ी सी। और इसके बाद हमने जो इमली की चटनी बनाई थी, उसकी हम थोड़ी सी 2-3 टेबलस्पून जो है उसकी लेयरिंग करेंगे हल्की सी। आपने बहुत ज़्यादा भी नहीं डालनी, क्योंकि ये खट्टी होती है, तो ये ना हो कि चाट बहुत ज़्यादा खट्टी हो जाए। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करेंगे। ये चाट मसाला भी होममेड है, इसकी रेसिपी भी मैं आपको किसी दिन शेयर करूँगी। अच्छा, इसके ऊपर हमने थोड़ा सा नमक डाल लिया है हस्बे ज़रूरत। अब इसके ऊपर हम दही ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। और दही देखना है आपने, कोशिश करनी कि दही बहुत चिल हो और गाढ़ा दही हो, उसको आपने अच्छी तरह फेंट कर उसकी लेयर लगानी है इसके अंदर। दही डालने के बाद हमने बंद गोभी बारीक काटी हुई थी थोड़ी सी, वो ऐड की है। बंद गोभी के बाद हमने प्याज था, प्याज मैंने काट कर फ्रीज़र में थोड़ी देर रखा था, उससे बहुत फ्रेश और इसका जो कड़वाहट होती है वो निकल जाती है। इसको मैंने फ्रीज़र में कुछ देर के लिए रख दिया था, और उसके बाद इसको स्ट्रेनर में स्ट्रेन करके अलग कर लिया था। थोड़े से हमने प्याज डाले हैं, थोड़े से टमाटर डालेंगे बारीक कटे हुए, और अगेन से फिर हम वही प्रोसेस थोड़ा सा रिपीट करेंगे। उससे पहले जो है हम ये देखेंगे थोड़ी सी बारीक, ये इसको हमारे यहाँ पे कहते हैं कि निम्को, निम्को कहते हैं। दो तरह की निम्को मिलती है यहाँ हमारे यहाँ तो, और निम्को आप ये वाली ख़रीद लें और इसको थोड़ा सा जो है लेयर लगा लें हल्की सी। ये वाली निम्को भी ले लें, ये आपको ईजिली हर मार्केट से मिल जाएगी। तो ये दो तरह की निम्को हमने इस्तेमाल की है यहाँ पर, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और कोशिश कीजिएगा कि आप ये निम्को जो है इसकी मिक्सिंग जो है आप बिल्कुल खाने से थोड़ी देर पहले करें, क्योंकि वरना ये बहुत नरम हो जाएंगे अगर आप इसको बहुत देर पहले बना के रख देंगे। इसके ऊपर हमने दोबारा हल्की सी भलियाँ ऐड की हैं, थोड़े से टमाटर ऐड किए हैं, हरा धनिया बारीक कटा हुआ ऐड किया है हमने। अगर आपको हरी मिर्चें अच्छी लगती हैं तो आप ज़रूर ऐड कर लें। मैंने तो बच्चों की वजह से ऐड नहीं की थी कि बच्चों को हरी मिर्च नहीं पसंद होती, लेकिन आपको अगर पसंद है तो ज़रूर ऐड करें। ये थोड़ी सी हमने इसमें चने और इमली की चटनी जो है दोबारा ऊपर उसकी लेयरिंग कर ली है। अगेन हम इसके ऊपर दही डाल रहे हैं। इसके कॉर्नर्स को दही के साथ अच्छी तरह कवर कर लें आप लोग। अगेन इसके ऊपर हमने थोड़ी सी बंद गोभी डाली है गार्निशिंग के लिए, थोड़ा सा प्याज डाला है, ये आपकी मर्जी है, एंड पे आप जो मर्जी चीजें ऐड कर लें इसको डेकोरेट करने के लिए।
थोड़ी सी नींबू डाल दी है, अगेन थोड़ी सी चटनी ऐड की है गार्निश के लिए जी, थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर दें आखिर में, और ये हमारे थोड़ा सा धनिया ऐड किया, और बहुत मज़ेदार सी हमारी भेलपूरी चाट तैयार है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।